देखिए हमने यहाँ पे जो लोगों ने सरिता विहार के मदनपुर खादर के जो लोग हैं जो एक रोड नोएडा की तरफ जो रोड पे रोड नंबर 13 पे प्रदर्शन सर ये जिस तरीके से शाहीन बाग पे काफी लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है और लोग यहाँ पे आज गैदर में किस तरीके से आप इंश्योर करेंगे कि पीसफुलनेस बनी रहे और जो सड़कें वो खुल जाए। देखिए मैं पहले तो मैं अपील करना चाहता हूँ शाहीन बाग के रेजिडेंट्स को जो वहाँ पर इस तरह से रोड ब्लॉक करके बैठे हैं, और मैं तमाम और भी लोगों को अपील करना चाहता हूँ जो लोग उनके समर्थन में वो वहाँ पर इस तरह से मास मोबिलाइजेशन करने के प्रयास करते हैं, सबको देखना चाहिए किस तरह से एक पब्लिक रोड, एक मेजर रोड जो कि दिल्ली को नोएडा के साथ कनेक्ट करती है, जो हॉस्पिटल में आने जाने का, स्कूलों में आने जाने का रास्ता है, और इसके वजह से लोगों को, पब्लिक को, साधारण नागरिकों को कितनी तकलीफ हो रही है। और इसलिए आज ये जो लोग सरिता विहार के लोग और मदनपुर खादर के लोग जिस तरह से आज प्रदर्शन करने आए थे, तैयार हुए थे, हमने उनसे अनुरोध किया कि अपना प्रदर्शन को एक शांतिपूर्ण और जिम्मेदार प्रदर्शन का नमूना बनाएं और अन्य प्रदर्शनकारियों की तरह ये लोग किसी तरह से मेन रोड को जाम ना करें। उन्होंने हमारी बात रखा, मथुरा रोड को उन्होंने जाम नहीं किया है प्रदर्शन। हम यही अपील करना चाहते हैं शाहीन बाग के रेसिडेंट्स को कि प्रदर्शन को इस तरह से करें जिससे कि दूसरे को तकलीफ ना हो और उनका अभिव्यक्ति की अधिकार भी साबित हो जाए। थैंक यू।